हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और कोच संजय सचा एंड आप देख रहे हैं योर फिटनेस कोच। सो आज हमारे सीरीज का डे टू है, ये एक ब्रिक सीरीज है। आज हम शोल्डर स्ट्रेन करने वाले हैं। अगर आपने डे वन की वीडियो नहीं देखी है या इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस आई बटन पर क्लिक करें और डे वन की वीडियो पहले देखें। डे वन में हमने चेस्ट ट्रेन किया था और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बिकॉज आई हैव बिन पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड मेकिंग ऑल दिस वीडियो। देन आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा आगे भी वीडियोज बनाने का। सो शोल्डर्स ट्रेन करने के लिए हम लोग ब्रिक्स का यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे शोल्डर्स पे टेंशन डेवलप करने के लिए। तो फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई एम गोइंग टू डू इज शोल्डर प्रेस। शोल्डर प्रेस में किस मसल के पार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है वो मैं इधर आपको दिखा दूंगा। सो हाउ द एक्सरसाइज इज परफॉर्म, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको अपने कानों तक इन ई ब्रिक्स को रखना है और ऊपर उठाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी मैंने आपको सिर्फ 10 रेप्स करके दिखाए हैं, आपको 15 रेप्स करने का ट्राई करना है और हर सेट के बीच में, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, 40 सेकंड का ब्रेक लेना है। हर एक्सरसाइज के बीच में आपको लेना है 1 मिनट से 1.5 मिनट का ब्रेक। सो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट्स करने हैं और 15 रेप्स का ट्राई करना है। आप ज्यादा भी कर सको तो ज्यादा भी कर लो, बिकॉज हमारे पास वेट्स कम है। सो हमको टेंशन डेवलप करने के लिए ज्यादा रेप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एक्सरसाइज दैट आई एम गोइंग टू डू इज फ्रंट रेस, शोल्डर फ्रंट रेस। इसमें भी आपको सीधा ब्रिक्स को उठाना है। पहले मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ, आपको सीधा उठाना है, नीचे आना है, स्लोली नेगेटिव मूवमेंट आपको स्लो करना है और आपको अपने थाइस के साथ इसको टच नहीं कराना। अब मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। साइड व्यू में आप देखेंगे कि मैंने यहाँ नीचे सपोर्ट नहीं लिया है, आई एम नॉट टेकिंग सपोर्ट ऑफ माई थाइस, मैं इसको दूर ही रख रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग टेंशन और नेगेटिवली मैं स्लो आ रहा हूँ। I'm creating tension and negatively I'm slow. आप इसको दोनों हाथों से भी कर सकते हो। 1, 2। इसके भी आपको 15 reps लगाने हैं। अगर आप दोनों हाथों से कर रहे हो तो 15 reps एक बार में, अगर आप एक एक हाथ से alternatively कर रहे हो तो हर एक हाथ से आपको 15 reps लगाने हैं। This was our second exercise. It was फ्रंट रेज। नाउ हम तीसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, दैट इज साइड रेज। इसका भी मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। थोड़ा आपको आगे की तरफ बेंड होना है, अपने हाथों को थोड़ा ऐसा उठाना है और साइड अपन को उठाना है बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके भी आपको 15 रेप्स करने हैं और 3 सेट करने हैं। हर एक्सरसाइज के आपको 15 रेप्स और 3 सेट करने की कोशिश करनी है। दिस वॉज अवर थर्ड एक्सरसाइज। जो मसल्स को ये ट्रेन करेगा वो मैं आपको दिखाता जाऊंगा किस मसल को ये ट्रेन कर रहा है शोल्डर की, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन सब चीजों की। ओके, नाउ द फोर्थ एक्सरसाइज दैट वी आर गोइंग टू डू इज आर्नल्ड प्रेस। ये इस एक्सरसाइज को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के नाम से रखा गया था। ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर्स ऑफ ऑल टाइम। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम आपकी ये जो एक्सरसाइज है शोल्डर प्रेस जैसी है, पर आपको इसको आगे रखना है। यू हैव टू टर्न इट एंड मूव अप। 1। अब इसको 4 स्टेप्स में आप कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। ये हो गई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, दैट इज आर्नल्ड प्रेस। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ये किस मसल्स पे वर्क करेगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो में। पिक्चर्स के मीन्स से आपको पता चल जाएगा किस मसल पे ट्रेन कर रही है, ताकि आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अब आते हैं हम अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज शोल्डर स्ट्रक्स। आप शोल्डर स्ट्रक्स बार से भी मारते हुए देखा होगा, आपने डंबल से भी मारते हुए देखा होगा, हमारे पास ब्रिक्स है तो हम ब्रिक्स से मारेंगे। पहले मैं आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। सीधा आपको खड़ा होना है और यू हैव टू पुश योर ट्रेपीजियस मसल्स अप। 1, 2, 3, 4, 5,
जी, आप जैसे कि देख रहे हो मैं नेगेटिव में जब आ रहा हूँ तो बहुत स्लो आ रहा हूँ, आपको भी नेगेटिव में स्लो आना है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ये नहीं करना। आप स्लोली अप जाओ, स्लोली नीचे आओ, स्लोली अप जाओ, स्लोली नीचे आओ। कुछ लोग एल्बोस को मूव करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यू डोंट हैव टू यूज योर आर्म स्ट्रेंथ टू लिफ्ट इट, आपको हमें ट्रेपीजियस मसल का यूज करना है। सिंपल तरीके से ऊपर जाओ, सिंपल तरीके से नीचे आओ, ठीक है। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू परफॉर्म एट द लास्ट, आपको इस एक्सरसाइज को लास्ट में परफॉर्म करना है। एंड इस एक्सरसाइज के भी आपको 15 टू 20 रेप्स लगाने की कोशिश करनी है। ब्रेक हर सेट के बीच में 40 सेकेंड, हर एक्सरसाइज के बीच का ब्रेक होगा 1 मिनट टू 1 मिनट 30 सेकेंड। तो ये हमारा शोल्डर वर्कआउट आज खत्म होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया यार, प्लीज फॉलो कर लो। आई विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट डे वीडियो सून, कल या परसों तक नेक्स्ट मसल की वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।